ओडिशा की कि वह गुरु नानक देव जी की पावन स्थली करतारपुर साहब को ही भूल गए थे। मोदी जी की प्रतिमा बारी है कि उन्होंने करतारपुर साहब कॉरिडोर बना करके फिर से भारत के गौरव को बढ़ाया है और गुरु परंपरा को फिर से सम्मान देने का काम किया है। भाइयों, ये पहली बार आजाद भारत में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। हम सब जानते हैं सनातन की धार पर करके गुरुदेव बहादुर जी महाराज ने अपने आप को बलिदान किया था, अपनी शहादत दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार साहबजादों ने, माता गुजरी ने अपने आप को इस सनातन की धार बन करके बलिदान कर दिया था। लेकिन कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों को भारत के अंदर सम्मान कांग्रेस की सरकार ने नहीं होने दिया। हम आभारी है मोदी जी के, मोदी जी ने चार साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में सम्मानित करने का काम किया है। आज के हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्या उम्र थी 7 साल 9 साल 14 साल क्या उम्र है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, इस धर्म और देश के लिए लड़ रहे हैं, उस कालखंड में मुगलों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए इस गुरु परंपरा को सम्मान देते हुए, उसके चरणों में नमन करते हुए, जब हम लोग पंजाब की, आज की पंजाब की स्थिति को देखते हैं, बहन और भाइयों को होता है, अंतःकरण से पीड़ा होती है। हिंदुस्तान की सुरक्षा का ढाल हमारा पंजाब कहां जा रहा है, ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी कहां लेकर के चली गई है। और इन दोनों के कार्य भी देखो, इन दोनों के देखो, दिल्ली में मिलकर लड़ेंगे और पंजाब में आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ये इनकी गठबंधन इनका ऐसे ही है, इनका देश के लिए कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला के दर्शन, अभानलला को भी भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है और करतारपुर कॉरिडोर को भी हमने भव्य रूप में दर्शन करते हुए देखा है। 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव देते।